हाई एवरी वन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में अब ये जो जावा की हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम बेसिक टॉपिक्स कर चुके हैं लास्ट क्लास में कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा था आज पढ़ेंगे लिंक लिस्ट अब एक छोटी सी चीज़ है कि रिकर्जन पढ़ने के बाद यूजली वैक ट्रैकिंग पढ़ा करते हैं और उससे रिलेटेड एक दो शॉर्टिंग अलगोरिदम्स होते हैं साथ के साथ हमारा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट होता है तो ये तीन जो टॉपिक हैं ये हम लिंक लिस्ट खत्म करने के बाद पढ़ेंगे ताकि हम बाइनरी सर्च जब कर रहे हो तो हम लिंक लिस्ट से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन भी साथ के साथ कर सकें और हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके क्योंकि पहले ही अगर पढ़ लेते हैं तो एडवांस क्वेश्चन पर इतना हम मैचअप नहीं कर पाते सोच नहीं पाते हैं कभी कभी कि कैसे रिलेट कर पाएगा वो सिंपल टॉपिक इतने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर से तो क्लास की शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ सर्दियाँ आ गई हैं मम्मी ने जबरदस्ती स्वेटर पहना दिया है तो आई होप कि आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे गूगल uh, की एक स्टडी कहती है कि 65 परसेंट जो करियर्स होने वाले आने वाले टाइम में वो ऐसे करियर्स होंगे जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है इसीलिए टेक पर फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टेक्नोलॉजी का हम जितना देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे फ्यूचर करियर्स पर तो आई होप कि आप जो अपनी कोडिंग जर्नी uh, लेकर चल रहे हैं कोडिंग सीख रहे हैं उसको काफ़ी अच्छे से लें उसकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से करें ताकि कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से सीख पाए धीरे धीरे हम करेंगे चीज़ें तो प्रैक्टिस के साथ जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है जिसको आती नहीं है उसको भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो जाती है तो आई होप कि कोडिंग uh, में जो इंटरेस्ट है वो बना रहे अब लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट है एलिमेंट्स की नोड्स की और वो लिंक्ड है जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये आपको एक फिगर दिखाया हुआ है ये लिंकलिस्ट का ही एक एग्जांपल है यहाँ पर कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे जो कनेक्टेड हैं यानी लिंक्ड हैं एक दूसरे से और वो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ऐसे से दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम जिस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं यहाँ पर इसको हम लिस्ट का नाम देते हैं अब समझते हैं डिटेल में कि लिंक लिस्ट क्या होता है मेमोरी में किस तरीके से काम करता है उसके डिफरेंट ऑपरेशन एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें नोट्स मिल रहे होंगे साथ के साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पहले से पता है बेसिक कॉन्सेप्ट जिन्होंने इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ लिया था या अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में या कभी भी पढ़ लिया था और बेसिक पता है वो डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क से लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जो स्टूडेंट पहली बार लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उनको शुरुआत से जो हम स्क्रैच वाला पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिगिनर्स के लिए वो जो कवर करने वाले हैं उसको देखने की जरूरत है अब शुरुआत में लिंक लिस्ट को कंपेयर करेंगे हम एरे लिस्ट से एरे लिस्ट को एरे को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरे लिस्ट की अगर बात करें तो एरे लिस्ट क्या होता था एरे लिस्ट एक एरे जैसा ही स्ट्रक्चर होता था अब एरे लिस्ट की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है लास्ट वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट ने नीचे कॉमेंट किया था कि आप बता दीजिए इंटरनल इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है तो इस क्लास में हम वो छोटा सा पार्ट है कवर कर रहे होंगे साथ के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे तो एरे लिस्ट मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट होता है डायनेमिक एरे की हेल्प से अब डायनेमिक एरे एरे में लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से स्टोर होते हैं और जैसे ही ये डायनेमिक एरे जितना भी अलॉटेड होता है एरे लिस्ट को वो भर जाता है तो हम एक नया डायनेमिक एरे अलॉट कर देते हैं मान लीजिए इसमें सारे एलिमेंट्स भर गए अब हमें कुछ इंसर्ट करना है तो एक बड़े साइज का डायनेमिक एरे अलॉट करेंगे और उसके अंदर इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम कॉपी करेंगे तो कॉपी कर देंगे यहां पर लिख देंगे वन यहाँ पर थ्री यहाँ पर फोर यहां पर फाइव और सिक्स सेवन मान लेते हैं लास्ट एलिमेंट्स में ऐड हुए थे और यहाँ पर ऐड कर देंगे अपना नया वाला एलिमेंट तो इस तरीके से एरे लिस्ट काम करता है जैसे ही वो छोटे वाला डायनेमिक एरे भर जाता है हम एक बड़ा डायनेमिक एरे एरे लिस्ट को दे देते हैं अब एरे लिस्ट के अंदर अगर हमें बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हुआ मान लीजिए हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है टू तो उस केस में क्या करेंगे इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें उठाकर पीछे कॉपी करना पड़ेगा ताकि बीच में एक जगह बच जाए तो हम क्या करेंगे वन को यहां रखेंगे यहां पर टू आ जाएगा हमारा नया एलिमेंट और थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स को हमें उठा के पीछे कॉपी करना पड़ेगा या फिर अगर हमारी स्पेस भर गई है तो एक नए एरे लिस्ट में कॉपी करना पड़ेगा इस तरीके से अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो फंडा है वो अप्लाई करें तो यहां देख पाएंगे कि जब भी बीच में यानी मिडिल में हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उस टाइम पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है बिग ऑफ एन बिग ऑफ एन क्यों क्योंकि हमें एन एलिमेंट्स को एक एक करके उठाकर पीछे की तरफ पुश करना पड़ा बीच वाले एलिमेंट की जगह बनाने के लिए तो इस तरीके से इंसर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एरे लिस्ट में वो होती है बिग ऑफ एन और सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है यानी किसी भी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है तो आप बोलेंगे दीदी हम एरे लिस्ट की वीडियो देख के आए और हमें पता है कि सर्च करने के लिए डायरेक्टली हम इंडेक्स पर जा सकते हैं इसीलिए जब डायरेक्टली इंडेक्स से लेकर हम एलिमेंट निकाल लेते हैं यानी अगर हमारे एरे लिस्ट का नाम ए आर आर हुआ तो हम जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट कुछ इस तरीके से एरे वाले तरीके से ही निकाल लेंगे अब इस तरीके से निकालने के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी बिग ऑफ वन क्योंकि हमने एक ही ऑपरेशन में अपने एलिमेंट को निकाल लिया इसीलिए एरे लिस्ट के अंदर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वन और दूसरा लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी जो एलोकेटेड होती है वो होती है नॉन कॉन्टिग्यूस नॉन कॉन्टिग्यूस यानी मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर हमारा लिंक लिस्ट बनता है जैसे अगर मेमोरी में हम हीप मेमोरी को कंसिडर करें एक पार्टी ये हो गया एक ये हो गया एक पार्टी ये हो गया इसमें हमने स्टोर करवा लिया वन को ये पॉइंट करेगा अगले वाले को इसमें स्टोर करवा लिया टू ये पॉइंट करेगा इधर इसमें स्टोर करवा लिया थ्री और ये पॉइंट करेगा किसी को भी नहीं तो नल को तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारी लिस्ट जिसमें क्या होता है हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एक दूसरे से लिंक करते हैं तो ये जो वन वाला डेटा है लिंक्ड है हमारे अगले डेटा यानी टू से टू लिंक्ड है अगले डेटा यानी हमारे थ्री से और थ्री के बाद कोई भी डेटा नहीं है इसीलिए कह सकते हैं कि वो नल से लिंक्ड है जावा के अंदर नल होता है एम्पटी खाली तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा लिस्ट अब लिस्ट के अंदर इंसर्ट और सर्च को एक बार करके देखते हैं मान लीजिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पहला नोड है वन उसके बाद है थ्री उसके बाद है फोर उसके बाद है नल तो अब हमें यहां पर इंसर्ट करना है टू तो टू को हमें यहां पर इंसर्ट करना होगा तो सबसे पहले टू का एक नया नोड बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? अपना जो one node है, उसे पॉइंट करवा देंगे टू की तरफ टू को पॉइंट करवा देंगे थ्री की तरफ और ये जो बीच वाला कनेक्शन है इसको काट देंगे तो कुछ इस तरीके से बीच वाले कनेक्शन को कंप्लीटली हटा दिया और हमने वन से टू तक एक कनेक्शन बना दिया टू से थ्री तक एक कनेक्शन बना दिया तो अब टू हमारे इस पूरे के पूरे लिंक लिस्ट का पार्ट बन गया है तो तो कुछ इस इस तरीके से से इंसर्शन इंसर्शन होता है अब इस को ध्यान देखें तो हमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े हमें दो तीन यानी गिनती के ही कांस्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े और जब कांस्टेंट ऑपरेशंस होते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वन तो यहां पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इंसर्ट की लिंकलिस्ट में वो हो गई बिग ओ ऑफ 1 अब ये बिग ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 1 वाली इज ऑब्वियसली लेस देन n तो यहां पर हमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि लिंक लिस्ट को कब यूज करना है लिंक लिस्ट को तब यूज करना है जब हमें इंसर्ट करना हो बीच में क्यों क्योंकि उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लग रही होगी हमें कम टाइम लग रहा होगा तो यहां पर एक खास यूज केस हमारा आ जाता है लिंक लिस्ट का अब सर्च की अगर बात कर लीजिए मान लीजिए हमें फर्स्ट इंडेक्स पर एलिमेंट सर्च करना है या फिर फर्स्ट इंडेक्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा मान लीजिए हमें थर्ड इंडेक्स पर एलिमेंट सर्च करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सा डेटा कौन से इंडेक्स पर स्टोर है इसीलिए हम शुरू से काउंट करते चले जाएंगे पहले हमने काउंट किया जीरो पर वन को फिर वन पर टू को फिर टू पर थ्री को फिर थर्ड इंडेक्स पर फाइनली हम पहुंचे जहां पर डेटा फोर है तो यहां पर हमने सर्च कर लिया

यहां से दो चीजें हम निकाल सकते हैं कि जब भी मेनुपुलेशन वाले ऑपरेशन ज्यादा हैं यानी ऐड करना है तो उस केस में हम लिंक लिस्ट का यूज करें और जहां पर सर्च वाले ऑपरेशन ज्यादा हैं उस केस में हम एरे लिस्ट का यूज करें ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑप्टिमाइज हो दोनों केसेस में तो यहां से हमें कुछ कुछ डिफरेंसेस समझ में आए एक एरे लिस्ट और एक लिंक लिस्ट के बीच में अब लिंक लिस्ट को हमने बना तो लिया अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो दो तीन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लिस्ट वेरिएबल साइज की होती है वेरिएबल साइज यानी फिक्स्ड नहीं है जब चाहे जितने चाहे हम एलिमेंट डाल सकते हैं जब तक हमारे कंप्यूटर की कोड की मेमोरी भर नहीं जाती दूसरा पॉइंट यह है कि नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी होती है कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी नहीं चाहिए हमें तो चंक्स चाहिए ताकि हम डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके लिंक कर सके तीसरा पॉइंट है इंसर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वन होती है और सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लिंक लिस्ट के बारे में जान सकते हैं अब इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें लिंक लिस्ट की तो लिंक लिस्ट बनता है एक बेसिक स्ट्रक्चर से जिसको हम नाम देते हैं नोड तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने डिस्कस किए जिनको हम लिंक करते हैं इन सारे पार्ट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट नोड नोड और ये जो लास्ट में हम नल की तरफ पॉइंट करते हैं इसको भी हम कहते हैं एम्प्टी नोड या फिर हमारी नल नोड तो इस तरीके से जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इनको हम नोड कहते हैं अब नोड जो होता है लिंकलिस का उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है दो इंफॉर्मेशन किस तरीके से स्टोर्ड होती हैं पहली चीज जो स्टोर्ड होती है वो होता है हमारा डेटा यानी जो भी चीज हमें स्टोर करनी है जैसे मान लीजिए हमने डेटा भी स्टोर किया था वन अगले वाले नोड में स्टोर किया टू अगले वाले में स्टोर किया थ्री और अगली चीज जो स्टोर होती है वो होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंटर या रेफरेंस नेक्स्ट क्या करता है ये जो लिंकिंग वाला काम है कि एक नोड दूसरी नोड से किस तरीके से लिंक होगी ये नेक्स्ट करता है तो इसको विजुअलाइज करें तो पहला अगर हम नोड लें तो उसके अंदर स्टोर होगा वन दूसरा नोड लें उसके अंदर डेटा में स्टोर होगा टू तीसरा नोड लें उसमें डेटा में स्टोर होगा थ्री चौथा नोड होगा हमारा नल नोड तो यहां पर जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ यहां का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ यहां का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ और यहां पर नल है तो कोई नेक्स्ट नहीं होगा नल का तो इस तरीके से हमारी एक चेन फॉर्म हो जाती है अगर लिंक लिस्ट को विजुअलाइज करना है तो हम एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रेन यानी ऐसी ट्रेन जिसमें काफी सारे हमारे डब्बे होते हैं तो ट्रेन का जो हर एक डब्बा होता है वो होता है सिंगल नोड उस डब्बे में स्टोर होते हैं हमारे कुछ कुछ सामान तो उस सामान को हम कह सकते हैं डेटा और हर डब्बा दूसरे डब्बे से एक चेन के थ्रू कनेक्टेड होता है ताकि पता रहे इस डब्बे के बाद कौन सा डब्बा आता है इस डब्बे के बाद कौन सा डब्बा आता है उसको हम कहते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंटर या फिर जो हमारे रेफरेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है रेफरेंस यानी हम जब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उनका कुछ एड्रेस होता है हमें पता होता है कि वो ऑब्जेक्ट हम कौन सी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस कहते हैं जावा के अंदर तो नेक्स्ट हमारा रेफरेंस स्टोर करता है यानी एक तरीके से अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करता है कि मुझे अपना एड्रेस तो पता ही है अब मैं अगले वाले का भी एड्रेस निकाल लूंगा उससे अगले वाले का अगला नोड निकाल लेगा तो इस तरीके से ट्रेन के डब्बे की तरह हम लिंक लिस्ट को विजुअलाइज करते हैं और अगर एक लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक सैंपल लिंक लिस्ट हमने कंसिडर की है जिसमें डेटा की फॉर्म में की क्या स्टोर है हमारी स्ट्रिंग्स तो पहली स्ट्रिंग है दिस दूसरी है इज फिर अ लिस्ट तो ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर अंदर हमने स्ट्रिंग्स को को स्टोर करा रखा है अब लिंक लिस्ट के अंदर हम फर्स्ट नोड ट्रैक करते हैं क्योंकि बाकी सारी नोड्स का हमें एड्रेस की जरूरत ही नहीं है अगर हमने पहली नोड का एड्रेस रख लिया अपने पास तो पहली नोड से दूसरी पर जा पाएंगे दूसरी से तीसरी पर जा पाएंगे तीसरी से चौथी पर जा पाएंगे एंड सो ऑन इसीलिए अगर सिर्फ पहली नोड का यानी इस नोड का हमारे पास एड्रेस हो तो उसके बाद किसी और नोड का हमें एड्रेस चाहिए नहीं इसीलिए इस नोड के एड्रेस को या इस नोड को हम हेड कहते हैं तो लिंक लिस्ट की भाषा में हेड क्या होता है लिंक लिस्ट का पहला नोड अब हेड के अलावा हम टेल भी कह सकते हैं टेल यानी हमारा लास्ट नोड अब लिंक लिस्ट के तीन टाइप्स होते हैं पहली होती है हमारी सिंगुलर लिंक लिस्ट दूसरी होती है हमारी डबल लिंक लिस्ट या डबल एंडेड लिंक लिस्ट तीसरी होती है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट अब इस क्लास में हम सिर्फ सिंगल एंडेड लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे हम डबल एंडेड और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में अलग से लेक्चर बना रहे होंगे लेकिन बेसिक अगर हम समझना चाहें तो सिंगुलर लिंक लिस्ट होती है जिसमें ये हमारा हेड होता है और हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए अपने आगे वाले नोट्स को पॉइंट करते रहते हैं और फाइनली हम नल पर पहुंच जाते हैं डबल एंडेड लिंक लिस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है हमारा हेड तो होता है लेकिन हर नेक्स्ट के साथ एक एक नोड में प्रीवियस भी होता है यानी हम आगे तो जा सकते हैं पर उसके साथ साथ हम पीछे भी जा सकते हैं तो डबल एंडेड हो गया ना नेक्स्ट पॉइंटर भी स्टोर कर रहे हैं प्रीवियस पॉइंटर भी स्टोर कर रहे हैं तो आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं सर्कुलर लिंकलेस वो लिंकलेट होती है जिसमें लास्ट नोड हमारी फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर जाता है यानी इस नोड को यहां पर कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगी हमारी सर्कुलर लिंक सर्कुलर लिंक के अंदर कभी ये लास्ट वाला नल पॉइंटर नहीं आता तो ये खास बात होती है इस पर अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं प्लेसमेंट्स में तो इन दोनों को अलग क्लास में डिस्कस करेंगे इस क्लास में सिंगल एंडेड लिस्ट की बात करेंगे जिसमें सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है और सिंगल हेड हम स्टोर करते हैं तो अब लिस्ट का हम कोड लिखने की कोशिश करते हैं ये बिगिनर्स के लिए कोड होने वाला है दोबारा बता रही हूं मैं बिगिनर्स के लिए कोड होने वाला है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बार अगर हम देख रहे हैं तो हो सकता है हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन इसको बार बार हम देखते रहेंगे ना तो चीजें और आसान हो जाएंगी तो एक बार में अगर हमने समझ लिया तो प्लेसमेंट के टाइम पर काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक स्क्रैच वाली इंप्लीमेंटेशन पर बेस्ड होंगे तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे अब एक और स्पेशल चीज एक और स्पेशल टिप प्लेसमेंट में जब क्वेश्चन आते हैं ना लिंक लिस्ट के या ट्रीज के ग्राफ्स के स्टैक्स के क्यूज के तो उसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं होता कि आप इसको लिंक लिस्ट से सॉल्व करिए आप इसको ग्राफ से सॉल्व करिए आप इसको ट्रीज से सॉल्व करिए हमें खुद से एनालाइज करना होता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे सही होगा इसीलिए हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसलिए हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि जब इंसर्शन करना हो बार बार तो को प्रेफर करेंगे जब सर्च करना हो बार बार तो एरे लिस्ट को प्रेफर करेंगे तो इस तरीके से काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की जब हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं तो हमें आदत हो जाती है जानने की कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लेना है तो कोड हम करने वाले हैं तो अगर आपको बेसिक स्क्रैच पता है तो डायरेक्टलीस्ट क्लास ऑलरेडी जावा के अंदर एग्जिस्ट uh, करती है इसीलिए क्लास का नाम हमने एल दे दिया है ताकि कोई एरर ना आए एल हमारी क्लास का नाम है जो रिप्रेजेंट करती है एक को। इसके अंदर है हमारा मेन फंक्शन अब क्या करेंगे अपनी क्लास का अपनी लिंक लिस्ट का एक नोड क्लास इसके अंदर बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है जो हमारा नोड होता है उसके जिसके अंदर जिसके अंदर अंदर हम हम डेटा स्टोर स्टोर कर कर सकें सकें नेक्स्ट पॉइंटर उसको हमें क्लास की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जावा में तो इसको क्लास की फॉर्म में लिखेंगे क्लास बना ली हमने नोड अब नोड के अंदर क्या क्या स्टोर करना है हमें सबसे पहली चीज जो स्टोर करनी है वो है डेटा दूसरी चीज जो स्टोर करनी है वो है हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट का टाइप क्या होने वाला है नेक्स्ट यानी अगले वाला नोड तो इसका टाइप भी क्या होगा नोड अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है जब हम पहली बार देख रहे हैं क्यों क्योंकि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि नोड क्लास के अंदर ही हमने नोड क्लास का एक जो पैरामीटर है एक जो वेरिएबल है वो देख लिया ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे पर अगर ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आते हैं तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा अब नेक्स्ट हमने ले लिया अब इसका ही एक कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है उसको ले रहे होंगे अब दिस डॉट डेटा को असाइन कर देते हैं हमारा डेटा हमारा जो नेक्स्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट सबके लिए नल होगा यानी जब भी एक नया नोड बना रहे हैं उसका नेक्स्ट हमेशा नल होगा शुरुआत में शुरुआत में सिंगल नोड क्रिएट होगा कोई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी उसके अलावा क्या कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ये हो गई है हमारी नोड क्लास कंप्लीट अब नोड क्लास हमने बना लिया है लिस्ट की अगर बात करें तो लिंक लिस्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ही क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी यानी क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे लिस्ट लिस्ट और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं LL से अब को हमने इनिशियलाइज कर लिया अब सबसे पहले कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं आज की क्लास में चार ऑपरेशन को देखेंगे पहला है इंसर्ट करने का या एड करने का ऑपरेशन दूसरा है हमारा लिस्ट को प्रिंट करने का ऑपरेशन तीसरा है डिलीट करने का नोड ऑपरेशन चौथा है हमारा साइज को चेक करने का ऑपरेशन ये चार सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारे हमेशा काम आएंगे इसके अलावा कुछ कुछ ऑपरेशन होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी होते हैं वो इतने काम नहीं आ रहे होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमें आ गए तो हमारी मोस्टली जो लिंक लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा अब पहला ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है एड करने का ऑपरेशन अब दो तरीके के एड हो सकते हैं लिंक लिस्ट में एक होता है एड फर्स्ट एक होता है एड लास्ट अब यूजुअली अगर आप कोडिंग uh, साइट्स पर जाकर रेफर कर रहे हैं आर्टिकल्स को तो वहां पर एक ही एड कभी कभी अगर लिखा हो तो यूजुअली यूजअली एड लास्ट को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन मुश्किल होता है यहां पर हम दोनों की बात करेंगे सबसे पहले एड फर्स्ट एड फर्स्ट यानी हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है उसके अंदर हमें कोई एलिमेंट एड करना है कोई नोड एड करना है फर्स्ट पोजिशन पर पहले विजुअलाइज कर देते हैं कैसे करेंगे मान लेते हैं ये हमारी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास कोई एलिमेंट्स हैं टू थ्री फोर बनाना है one, और इसको फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है यहां है हमारा हेड तो हम क्या करेंगे इस नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो अभी तो यानी शुरुआत में तो पॉइंट करेगा नल की तरफ क्योंकि शुरू में लिंक नहीं बनती शुरू में नोड बनता है तो इस नल की जगह इस नोड का नेक्स्ट जो होगा वो हेड की तरफ पॉइंट कर जाएगा और उसके बाद हम हेड को यहां से हटाकर हमारा नया हेड बना देंगे अपनी नई नोड को तो हमारी नई लिंक लिस्ट कैसी दिखेगी हमारी नई लिस्ट में वन पहले आ जाएगा जो बन जाएगा हमारा हेड उसके बाद टू फिर थ्री फिर आएगा हमारा फोर एंड फाइनली हमारा नल तो कुछ इस तरीके से हम फर्स्ट पोजिशन पर एड करेंगे। होंगे कैसे ऐड करेंगे नया नोड बनाएंगे उसके नेक्स्ट को हेड की तरफ पॉइंट करवा देंगे और नए नोड को हेड बना देंगे तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे यहां पर सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं पब्लिक वॉइड एड फर्स्ट एड फर्स्ट के अंदर पैरामीटर हम पास करेंगे हमारा स्ट्रिंग का डेटा अब स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले क्या चेक करेंगे सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा हेड नल है मतलब अभी तक क्या कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट भी करती है तो उसके लिए क्या करेंगे हेड को चेक कर लेंगे इज हेड इक्वल टू इक्वल टू नल अगर हेड नल है तो हमें क्या करना है सिंपली एक नोड क्रिएट कर देना है और उसको हमें हेड बना देना है क्योंकि और कोई तो लिंक लिस्ट है ही नहीं जिसके साथ उसको अटैच कर सके तो सबसे पहले हम नोड को ही क्रिएट कर लेते हैं नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड के अंदर पास करेंगे हमारा डेटा अब यहाँ पर हेड को हेड में असाइन कर देंगे अपने नए नोड की वैल्यू और यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न लेकिन अगर ऑलरेडी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है यानी हेड हमारा नल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे उस केस में हमने जो अभी प्रोसेस डिस्कस किया उसको करेंगे तो हमारे न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो पॉइंट करेगा हमारे हेड की तरफ और हेड जो होगा उसकी वैल्यू बन जाएगी अब न्यू नोड तो इस तरीके से हम फाइनली रिटर्न कर जाएंगे तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है और हेड जो हमारा है वो नया नोड बन गया है तो इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट पोजिशन पर हमारी लिंक लिस्ट में अब अगर ऐड करके लास्ट में देखें यानी लास्ट में कैसे ऐड करें लिंक लिस्ट के अंदर अब अपने ऐड फर्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट इसके अंदर पास करेंगे अपना डेटा डेटा को ले लेते हैं और यानी कुछ स्ट्रिंग हमें पास करनी है डॉट ऐड फर्स्ट इज तो कुछ इस तरीके से लिस्ट के अंदर हमने ए को ऐड कर दिया लिस्ट के अंदर फिर हमने इसको एड कर दिया अब एक एड लास्ट का भी फंक्शन लिख लेते हैं लास्ट के लिए फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड एड लास्ट इसके अंदर भी हम स्ट्रिंग फॉर्म में अपना डेटा ले रहे होंगे अब एड लास्ट को भी सबसे पहले विजुअलाइज कर देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हमारा कोड हमने सबसे पहले क्या किया ए स्टोर किया उससे पहले क्या स्टोर किया इज स्टोर किया और इज पॉइंट कर रहा है ए को अब हमें लास्ट में एड करना है मान लीजिए लिस्ट नाम का एक डेटा तो इसको कैसे करेंगे लिस्ट की एक नोड बनाएंगे और क्या करेंगे हमारा हेड जो कि अभी है इज हेड से एक एक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा नल नहीं आ जाता जब तक हमारा नेक्स्ट नोड नल नहीं आ जाता जैसे ही हम इस लास्ट नोड पर पहुंचेंगे तब क्या करेंगे इस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको पॉइंट करवा देंगे हमारे नए नोड की तरफ और ये नए नोड का नेक्स्ट तो ऑलरेडी नल की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये वाला नल हट जाएगा लास्ट नोड को हमें ढूंढना है और लास्ट नोड को पॉइंट करवा देना है अपने अपने लिस्ट की तरफ अपने नए नोड की तरफ आई होप ये हमें समझ में आया होगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक लिस्ट हमारे पास थी हम क्या करेंगे हेड से ट्रवर्स करना शुरू करेंगे ट्रैवल करना शुरू करेंगे एक एक नोड पर जाएंगे और लास्ट नोड को ढूंढकर

हमें क्या करना पड़ता है एक नोड क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम हेड की वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसके बाद एक एक करके हम इस करंट नोड को अपडेट करते रहते हैं तो जब तक हमारा ये जो करंट नोड है इसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक ट्रैवल करेंगे करंट नोड को बना देंगे करंट नोड का नेक्स्ट अभी इतनी सी जो ये दो तीन लाइनें हैं ये हम पहली बार लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है पर है नहीं इन लाइनों को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है शुरुआती स्टेजेस का वो ना रहे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि हमने करंट नोट जो है वो लिया ही क्यों मान लीजिए हम हेड को ही ले लेते हैं हमारे पास क्या थी एक लिस्ट थी पहले स्टोर था इज उसके बाद अ उसके बाद नेक्स्ट और यहाँ पर है हमारा हेड अगर हम हेड को अपडेट कर दे रहे थे यानी हेड के नेक्स्ट को बना देते हेड तो इसको हम हेड बना देते और इसको काट देते तो क्या होता हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है का उसको हम लूज कर देते और अगली बार के लिए हमें पता ही नहीं होता कि हमारी पूरी का हेड क्या है क्योंकि ये हेड तो अब ए के पास चला गया इसको कैसे ट्रैक करें इसको ट्रैक करने का कोई तरीका ही नहीं है इसीलिए हेड जो होता है लिंक लिस्ट का उस पर कभी मेन्युपुलेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना यानी उसको कभी चेंज नहीं करना उसको एज अ कॉन्स्टेंट हमें ट्रीट करना है क्योंकि उसको चेंज कर दिया तो हमारी लिंक लिस्ट के लिए हम काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है उसको खो देंगे अब क्या करना है हेड को तो हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने हेड को हेड रखते हुए इसको एक करंट नोड को असाइन कर सकते हैं अब इस करंट नोड को पहले इसकी तरफ पॉइंट करवाएंगे फिर यहां से हटा के, करंट नोड को ए की तरफ पॉइंट करवाएंगे फिर यहां से हटा के करंट नोड को नल की तरफ भी पॉइंट करवा सकते हैं, तो करंट नोड को अपडेट कर दें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हेड को अपडेट कर दें, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भयंकर प्रॉब्लम है तो वो चीज कभी नहीं करनी तो यहाँ पर हम क्या करें ट्रिवर्स करने के लिए पहले जो हमारा करंट नोड है वो यहां पर पॉइंट करता है हमारे हेड की तरफ उसके बाद क्या करते हैं हम उसे अगले वाले पर ले जाते हैं उसके बाद उसे अगले वाले पर ले जाते हैं इस तरीके से हम ट्रिवर्स कर रहे हैं अपनी लिंक लिस्ट की तरफ और हर बार अपडेट कैसे करते हैं करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड नोड का next, का नेक्स्ट नेक्स्ट यानी उस जो है अब वो करंट नोड को दे दें तो इस तरीके से लास्ट नोड पर कब पहुंचेंगे जब करंट नोड का नेक्स्ट नल हो जाएगा उससे पहले लास्ट नोड पर नहीं पहुंचेंगे जैसे ही लास्ट नोड पर पहुंचे तो करंट नोड को क्या करेंगे करंट नोड का नेक्स्ट को बना देंगे हमारी न्यू नोड यानी करंट नोड का नेक्स्ट अभी नल था उसमें असाइन कर दिया नया नोड और नया नोड का नेक्स्ट तो नल है ही तो इस तरीके से हमने एड लास्ट भी कर दिया यानी लास्ट में अब हमारा एड जो है वो कंप्लीट हो गया अब एड लास्ट करने के बाद एक प्रिंट यानी लिस्ट को अपनी को प्रिंट कैसे करवाना है उसको भी देख लेते हैं वो काफी सिमिलर है एड लास्ट से पब्लिक वॉइड प्रिंट लिस्ट प्रिंट लिस्ट के अंदर कुछ भी पास नहीं करना हमें और ये वाला जो सिंपल कोड है इसको बस उठा के कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर लेना तो करंट नोड एक नोड ले लिया जिसमें हेड की वैल्यू असाइन कर दी अब हर एक बार प्रिंट कर देंगे अपने करंट नोड के डेटा को तो डॉट डेटा से एक्सेस कर लिया डेटा को और यहाँ से एल हटा लेते हैं करंट नोड के डेटा को प्रिंट करा दिया करंट नोड को अपडेट कर दिया एंड में क्या प्रिंट करवा देते हैं एंड में प्रिंट करवा देते हैं नल को इस लाइन को हटा देते हैं तो इस तरीके से हमारी जो प्रिंट हो रही होगी लिस्ट वो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी इसको कर लेते हैं सेफ अब इसमें हमने एक कॉर्नर केस मिस कर दिया वो ये है कि हेड अगर ऑलरेडी नल हुआ तो अगर हमारी लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं तो उस केस में क्या करेंगे उस केस को यहाँ पर चेक कर लेते हैं अगर हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल है तो यहाँ पर लिख देंगे लिस्ट इज़ Empty टी और यहां से कर जाएंगे हम रिटर्न अब एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे आती है क्योंकि सी प्लस प्लस जावा में दोनों में कोड करती हूं तो जो स्टूडेंट सी प्लस प्लस जावा दोनों में कोड करते हैं नल जो होता है वो सी का नल होता है स्मॉलर केस में जब नल लिखते हैं ये जावा वाला नल होता है तो काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप साइमल्टेनियसली दो तीन लैंग्वेजेस में कोड करते हैं तो आप सिंटैक्स थोड़ा सा भूलते रहते हैं तो उस चीज से बचने का ये तरीका है कि एक टाइम पर एक लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस करें ताकि हमें सिंटैक्स जो है वो सही याद रहे और गलतियां कम हो तो यहां पर प्रिंट लिस्ट का हमने फंक्शन बना लिया अब अपने मेन के अंदर हमने लिस्ट में एड किया था ए फिर लिस्ट में एड किया था इज अब क्या करेंगे अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट उसके बाद क्या करेंगे अब आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहली चीज जो अपनी क्लास में करनी चाहिए थी वो था हेड को क्रिएट करना तो हेड को क्रिएट करेंगे नोड बना दिया एक हेड टाइप का अब हमारे पूरे कोड को पता है कि हेड क्या है और एक छोटी सी चीज प्रिंट लिस्ट के अंदर हम यहां पर नेक्स्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि यहां पर हमने नेक्स्ट किया था ताकि हम नेक्स्ट वाला जो है हमारा लास्ट वाला नोड उसको बाहर निकाल सके यहां पर हमें लास्ट वाले नोड को भी प्रिंट करवाना है यहां पर डॉट नेक्स्ट कर दिया तो हमारा लास्ट वाला नोड जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा होगा इसीलिए डॉट नेक्स्ट नहीं करेंगे और अब अपने मेन फंक्शन के अंदर जाकर हम यहां पर लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट कॉल कर लेते हैं इसको सेव करते हैं रन करते हैं तो हमारे लिए हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर आ जाएगी लिस्ट में क्या प्रिंट होकर आया सबसे पहले क्या हुआ होगा मेन फंक्शन को देखें तो एड फर्स्ट में एड हुआ होगा ए ए के साथ आया होगा नल उसके बाद ए से पहले एड फर्स्ट की वजह से आ गया होगा इज तो इज अब पॉइंट करता है ए को ए पॉइंट करता है नल को तो कुछ इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन रही होगी अब क्या करेंगे अपना एड लास्ट कॉल करेंगे लिस्ट डॉट एड लास्ट उसके अंदर पास कर देते हैं एक लिस्ट नाम की स्ट्रिंग कर देते हैं सेव और इसके बाद इसे प्रिंट भी कर लेते हैं तो लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट सेव तो यहां पर सबसे पहले इज अ लिखा था अब क्या आ गया इज अ और लास्ट में क्या ऐड हो गया हमारा लिस्ट तो पूरा का पूरा जो लिंक लिस्ट है वो बन गया इज लिस्ट यहां पर आ गया नल अब यहां पर एक और चीज ऐड कर लेते हैं लिस्ट डॉट एड फर्स्ट में जाकर दिस पास कर देते हैं लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट सेव कर दिया इसे रन करते हैं और अब एक पूरा का पूरा सेंटेंस हमने लिस्ट की फॉर्म में सेव कर दिया विच इज दिस इज लिस्ट तो इस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर हमने प्रिंट सीख लिया लिंक लिस्ट के अंदर हमने एड सीख लिया अब लिंक लिस्ट के अंदर वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन जो सीखेंगे वो है डिलीट डिलीट में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ज्यादा मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा मुश्किल है अब बात करते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर हमारी एक लिस्ट हमारे पास है जिसमें है दिस इज लिस्ट अब हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी लग रही होगी पर थोड़ी देर के लिए बेयर करते हैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ये पॉइंट करता है हमारे नल को अब यहां से मान लीजिए हमें डिलीट करना है ये ए वाला नोट अब जैसे हमने ऐड के अंदर ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट देखा वैसे ही डिलीट के अंदर भी डिलीट फर्स्ट और डिलीट लास्ट को हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले बात करेंगे डिलीट फर्स्ट की अगर हमें फर्स्ट को डिलीट करना है तो सिंपली क्या करेंगे फर्स्ट का जो नेक्स्ट होगा उसको हेड बना देंगे यहां से हम हट गए इसको हमने खत्म कर दिया तो जब भी हेड को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं तो पहले वाला नोट जो हेड था वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है तो ये वाली जो चीज है अब हमेशा के लिए गायब हो गई है दिस इज लॉस्ट फॉर इसको उठा कर ले जाएगा उड़ा कर ले जाएगा हमारे जावा का गार्बेज कलेक्टर तो यहां पर बन जाएगा हमारा नया हेड और हम सिंपली क्या करेंगे हेड को अगले वाले यानी हेड के नेक्स्ट को असाइन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा हेड जो है डिलीट हो जाएगा अगर हमें मान लीजिए फर्स्ट को डिलीट नहीं करना लास्ट को डिलीट करना है यानी इस नोड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे सिंपली ट्रवर्स करते रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तक ट्रवर्स करते रहेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तक जैसे ही हम सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचेंगे हमें ढूंढनी है क्या सेकेंड लास्ट नोड सेकेंड लास्ट नोड तक पहुंचते ही हमारे पास सेकेंड लास्ट नोड होगी हमारे पास लास्ट नोड होगी हम क्या करेंगे लास्ट वाला कनेक्शन कट जाएगा ये वाला कनेक्शन जैसे ही कट गया यह पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो गायब हो जाएगा मेमोरी से और हमारे पास सिर्फ ये पहले वाला हिस्सा बचेगा अपनी लिस्ट के अंदर आई होप कि हम क्लियर हैं क्या होगा ये वाला कनेक्शन हमारा कंप्लीटली कट जाएगा इतना हिस्सा लिंकलिस्ट से गायब हो जाएगा और हमारे पास ये वाली कुछ लिंकलिस्ट जो है वो बनकर आ रही होगी तो फंडा इसमें क्या रहा फर्स्ट को डिलीट करना है तो बस हेड का नेक्स्ट को हेड बना दीजिए लास्ट को डिलीट करना है तो ट्रिवर्स करके जाओ और सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट को नल कर दो इसी चीज से हम अपने जो फंक्शन है वो लिखने वाले हैं सबसे पहले करेंगे डिलीट फर्स्ट पब्लिक वॉइड डिलीट फर्स्ट डिलीट फर्स्ट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं आ रहा सबसे पहला जो हमारा कॉर्नर केस है कॉर्नर केसेस क्या होते हैं कोडिंग के अंदर कॉर्नर केसेस वो केसेस होते हैं जो नॉर्मल केसेस से अलग होते हैं एक तो होता है कि हमारे पास सिंपल सी लिस्ट है उसमें हम फर्स्ट डिलीट कर दें लास्ट डिलीट कर दें पर ऐसा भी तो स्पेशल केस हो सकता है जिसमें हमारी पूरी लिस्ट खाली हो इसको हम कॉर्नर केस कहेंगे तो जब भी हम अगर हमने कोडिंग शुरू कर दी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो हम वहां पर जाकर अगर टेस्ट केसेस सॉल्व करते हैं तो हमें पता होगा कि हम कॉर्नर केस किसको कहते हैं नहीं तो धीरे धीरे कोडिंग के अंदर हम सीख ही जाएंगे अब सबसे पहला कॉर्नर केस है कि अगर हमारा हेड नल हुआ तो तो अगर हमारे हेड की वैल्यू जो है नल है तो उस केस में प्रिंट कर देंगे द लिस्ट इज एम और यहां से कर जाएंगे रिटर्न क्योंकि यहाँ पर कुछ डिलीट करने के लिए नहीं है और अगर हेड नॉट नल है तो उस केस में क्या करेंगे हेड को बना देंगे हेड का नेक्स्ट बस ये सिंगल लाइन हमें लिखनी है डिलीट फर्स्ट करने के लिए हमारा जो पहला हेड है वो डिलीट हो चुका है अब डिलीट लास्ट के लिए क्या करेंगे पब्लिक वाइड डिलीट लास्ट इसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं आएगा इसमें भी हम अपना कॉर्नर केस जो है वो लिख लेते हैं कॉर्नर केस हमने लिख लिया अब इसके बाद क्या करेंगे डिलीट करेंगे लास्ट को तो उसके लिए ट्रिवर्स करना जरूरी है ट्रिवर्स करने के लिए ज़रूरी है कि एक करंट नोड हम बना लें तो नोड सेकंड लास्ट नाम दे देते हैं सेकंड लास्ट में असाइन करेंगे अपना हेड एंड अपना एक और नोड बना लेते हैं जिसको कहेंगे लास्ट नोड लास्ट नोड में असाइन करेंगे हेड का नेक्स्ट अब ट्रिवर्स किस तरीके से करेंगे यहाँ पर जब तक हमारे लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता जैसे ही लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होगा मतलब हम लिंकलिस्ट के लास्ट नोड पर आकर पहुंच गए हैं। तब तक हम अपडेट कर देते हैं लास्ट नोड को बनाते रहेंगे लास्ट नोड का नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट नोड को बनाते रहेंगे सेकेंड लास्ट का नेक्स्ट अब यहां पर भी एक और कॉर्नर केसरइज करता है कि अगर ये हेड डॉट नेक्स्ट पहले ही नल है तो यहां पर अगर हम हेड डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर लिख देंगे तो नल का तो कोई नेक्स्ट होता ही नहीं बात समझ में आई मतलब अगर हमारा हेड डॉट नेक्स्ट नल है तो नल तो का डॉट नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो एरर आएगा डॉट नेक्स्ट क्योंकि है ही नहीं नल का यहां पर नल का डॉट नेक्स्ट कर नहीं सकते इसीलिए इस केस से बचने के लिए हम एक और कॉर्नर केस यहां पर लिख देते हैं कि अगर हेड का नेक्स्ट नल है हेड का नेक्स्ट किस केस में नल होगा जिस केस में लिंकलिस्ट में एक ही नोड होगी जिस केस में लिंकलिस्ट में एक ही नोड है उस केस में आप क्या करिए हेड को बना दीजिए नल एंड सिंपली यहां से कर जाएंगे रिटर्न बस इतनी सी छोटी सी चीज हमें करनी है तो हम इस पूरे के पूरे केस को अवॉइड कर देंगे जैसे ही सेकेंड लास्ट नोड हमें मिल गई तो सेकेंड लास्ट का जो नेक्स्ट है वो बन जाएगा नल और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया है दो कॉर्नर केसेस केसेसिडर किए हेड नल है तो कुछ नहीं कर सकते हेड का नेक्स्ट नल है यानी सिंगल नोड है तो उस केस में उसको डिलीट कर देंगे लास्ट लास्ट निकाल निकाल लिया निकाल लिया नोड कैसे इस लूप को यूज करके करके एक बार थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लेते हैं क्योंकि हम बिगिनर लेवल पर पढ़ रहे हैं तो चीजें जितना विजुअलाइज करेंगे अच्छा रहेगा हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी जिसके अंदर हमने क्या किया इसको दे दिया सेकंड लास्ट इसको दे दिया लास्ट शुरुआती स्टेजेस में अब इसको हम एक आगे बढ़ा देंगे तो ये बन गया लास्ट इसको हम एक बार की बढ़ा लेंगे तो ये बन गया सेकंड लास्ट अब इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो ये बन गया लास्ट इसको एक आगे बढ़ा देंगे तो ये बन गया सेकंड लास्ट लास्ट अब इस का नेक्स्ट जैसे ही नल हुआ मतलब हम सही पोजिशन पर आ गए हैं हमने अपने लास्ट नोड को निकाल लिया है जैसे ही लास्ट नोड को निकाल लिया सेकेंड लास्ट को भी निकाल लिया तो ये हमारा सेकेंड लास्ट बन गया सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट को अब हम कर देंगे नल तो इस तरीके से हमारा इतना जो लिंकलिस्ट होगा वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा तो ये लास्ट नोड हम डिलीट कर देंगे तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा अब अपने मेन फंक्शन के अंदर जाकर क्या करते हैं हमने एक लिंक लिस्ट बना ली थी लिंकलिस्ट के अंदर दिस इज अ लिस्ट हमने लिखा था अब वहां से डिलीट करना शुरू करते हैं लिस्ट डॉट डिलीट फर्स्ट करेंगे और उसके बाद लिस्ट को कर देंगे इसे सेव करते हैं रन करते हैं हमारी लिस्ट थी दिस इज लिस्ट उसके बाद हमने फर्स्ट पर से डिलीट कर दिया दिस को और हमारी लिस्ट में बस बच गया इज लिस्ट इसके बाद एक और फंक्शन कर लेते हैं list .delete last. अब लिस्ट को कर देते हैं प्रिंट इसे कर देते हैं सेव और रन किया तो इज लास्ट इज और रन किया इज अ लिस्ट बच गया था अब उसमें सिर्फ अ बच गया हमारा जो लिस्ट है वो कंप्लीटली हमने डिलीट कर दिया अपनी लिस्ट से अब क्या करेंगे एक लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं जो है साइज का लिस्ट के अंदर साइज को कैसे ट्रैक करें जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा ट्रिवर्स करके अपने साइज को ट्रैक करें हम साथ के साथ भी साइज को ट्रैक कर सकते हैं कैसे एक हमारा वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट टाइप का जिसको इंट टाइप दे देते दे हैं और इसको नाम दे देते हैं साइज अब जैसे ही शुरुआत में हमारे साइज़ की क्या रखेंगे वैल्यू वैल्यू रखेंगे जीरो अब अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना ले दें कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देंगे अपने साइज को किस वैल्यू के साथ जीरो के साथ तो डिस डॉट साइज इज इक्वल टू जीरो अब जैसे ही नया नोड हम क्रिएट कर रहे हैं वहां पर कर देंगे साइज को प्लस प्लस और जैसे ही नोड को डिलीट कर रहे हैं यानी यहां पर कर देंगे साइज को माइनस माइनस और यहां पर भी कर देंगे साइज को माइनस माइनस अब ये जो साइज माइनस माइनस है ये नीचे यहां पर या फिर यहां पर नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि ये जो हेड डॉट नेक्स्ट वाली वैल्यू है इसको हम मिस कर देंगे इस कंडीशन को मतलब सिंगल हेड जिस केस में है उस केस में हम साइज माइनस माइनस करना भूल जाएंगे इसीलिए इसको हमने ऊपर लिखा है इसको इस इफ से नीचे नहीं लिख सकते तो यहां पर अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे साइज को रिटर्न करेगा पब्लिक इंट गेट साइज नाम से फंक्शन करते हैं रिटर्न साइज अब मेन फंक्शन के अंदर लास्ट में लिस्ट डॉट गेट साइज को कॉल करते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं इसको कर लेते हैं सेव और इसको कर लेते हैं अब रन तो लास्ट में हमारी जो लिस्ट थी उसके अंदर कितने नोट बचे थे सिर्फ एज वाला नोट बचा था और ए वाला नोट बचा था नल काउंट नहीं करता साइज में तो दो ही नोड बचे थे तो हमारी लिंक लिस्ट का साइज हमारे पास आ गया है टू इसके बाद क्या करेंगे एक और जो नोड है उसको ऐड कर लेते हैं मान लीजिए लिस्ट में हमने ऐड कर दिया ऐड फर्स्ट दिस दोबारा से अब इसके बाद एक और बार साइज को कॉल करके वेरीफाई कर लेते हैं रन किया तो अब हमारा साइज थ्री आना चाहिए क्योंकि तीन नोड्स आ गए हैं तो साइज हमारे पास प्रिंट होकर आया है थ्री तो कुछ इस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर हम ये चार बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऐड करने का प्रिंट करने का डिलीट करने का और साइज लेने का अब हम करने वाले हैं लिंक लिस्ट को कलेक्शन फ्रेमवर्क्स की फॉर्म में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स को यूज करके ये सारे के सारे फंक्शन जो हमने स्क्रैच से लिखे हैं सारी की सारी क्लास जो हमने स्क्रैच से बनाई है ये हमें ऑलरेडी मिल जाती है जावा के अंदर तो इसीलिए जब हम प्लेसमेंट के लिए कंपेटेटिव प्रोग्राम्स के लिए कोड लिख रहे होते हैं तो स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता ऑलरेडी हमारे पास सारा का सारा कोड पहले से अवेलेबल है उन टूल्स को बस हमें उठा के यूज कर लेना होता है तो क्या करेंगे अपने सारे के सारे कोड को सबसे पहले उड़ा लेते हैं सिर्फ अपने मेन फंक्शन को रखेंगे यहाँ पर तो ये हमारी लिंकलिस्ट क्लास है इसके अंदर लिंक लिस्ट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना पैकेज जावा डॉट यूटेल डॉट ऑल यहाँ पर डॉट ऑल मतलब स्टार की जगह हम डॉट लिस्ट भी कर सकते हैं बट आई प्रेफर टू यूज डॉट स्टार जब हम सारा का सारा कोड एक साथ लिख रहे होते हैं अब यहां पर मेन फंक्शन के अंदर क्या करेंगे एक लिंक लिस्ट बनाते हैं लिंक लिस्ट को बनाने का फॉर्मेट रहेगा हम लिखेंगे लिंक लिस्ट ऑफ किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है उस लिंक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं इसको हम इंटीजर भी बना सकते हैं पर यहां पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं नाम देते हैं इसको हम लिस्ट तो न्यू लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो ये रहता है फॉर्मेट एक लिस्ट को बनाने का अब हमारे लिए एक एम्प्टी लिस्ट बनकर तैयार हो गई है अब हमें इस लिस्ट के अंदर बस एलिमेंट्स को ऐड करना है फंक्शंस को इंप्लीमेंट नहीं करना मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं करना तो लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट ऐड फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे और जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया था वो कर देते हैं के अंदर हम इज लिख देते हैं तो दो स्ट्रिंग्स हमने पास कर दी अब क्या करेंगे लिस्ट को प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट करने के लिए जिस सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं और बस अपनी लिस्ट को हम प्रिंट कर देते हैं तो इसको सेव करते हैं इसको रन करते हैं देखते हैं हमारे लिए क्या लिस्ट प्रिंट होगी सबसे पहले प्रिंट होगा इज़ उसके बाद अ तो क्या हुआ एड फर्स्ट ने सबसे पहले लिस्ट के अंदर ए को एड किया होगा तो ए यहां पर आ गया फिर एड फर्स्ट ने इज को ए से पहले एड किया होगा क्योंकि एड फर्स्ट क्या करता है पहले जो लिंक लिस्ट है उससे सबसे पहले यानी हेड पर लाकर हमारे नए नोड को प्लेस कर देता है तो इस बन गया हमारा नया हेड तो इस अ बन गई हमारी नई लिंक लिस्ट अब इसके बाद एड लास्ट कर लेते हैं लिस्ट डॉट एड लास्ट एड लास्ट फंक्शन के अंदर पास करेंगे एक और नई स्ट्रिंग उसके बाद दोबारा से प्रिंट करवा लेते हैं अपनी लिस्ट को इसको कर लेते हैं सेव रन कोड और यहां पर क्या आया इज अ दिस तो जो हमारा लास्ट वर्ड था वो लास्ट में ही ऐड हो गया अब इसे लास्ट में नहीं हम फर्स्ट में ऐड करना चाहते हैं और उसके बाद लास्ट में ऐड करते हैं लिस्ट। ताकि एक पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो जाए इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं तो हमारी जो लिंक लिस्ट बनी वो बनी दिस इज अ लिस्ट तो सबसे पहले जो अ था वो ऐड हुआ फिर उसके बाद इज ऐड हुआ फिर दिस को हमने फर्स्ट में ऐड किया फिर लिस्ट को हमने लास्ट में ऐड किया अब यहां पर अगर हम लास्ट हटा दें और सिर्फ ऐड रखें तो उसका आउटपुट एक बार ऑब्जर्व करते हैं क्या आएगा आउटपुट में हमारे पास आया दिस इज अ लिस्ट तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम ऐड सिर्फ लिखते हैं और ऐड लास्ट नहीं लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट जो हमारे नए नोट होते हैं वो लास्ट में ऐड होते हैं लेकिन फर्स्ट के लिए हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि एड फर्स्ट तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट के अंदर ये काम करेगा उसके बाद क्या करेंगे अपनी लिंक लिस्ट का साइज हम प्रिंट करवा लेते हैं तो लिस्ट डॉट साइज करके एक फंक्शन होता है जो साइज को रिटर्न करता है अब रन करें अपने कोड को तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर चार एलिमेंट्स हैं दिस इज अ लिस्ट और उसका साइज क्या आएगा लिंक लिस्ट का फोर अब यहां पर क्या हो रहा है ये दिस जो है एक नोड है जो इज वाले नोड को पॉइंट कर रहा है इज ए वाले नोड को पॉइंट कर रहा है ए लिस्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और लिस्ट पॉइंट कर रहा है फाइनली हमारे नल नोड को तो कुछ इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट काम करती है अब क्या करेंगे अब हमें अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो लिंक लिस्ट के ऊपर एक लूप हम लगा सकते हैं लूप लगा सकते हैं आइटरेट कर सकते हैं तो इंट आई इज इक्वल टू तो जीरो आई लेस देन जब तक हमारी लिस्ट का जो साइज है वहां तक हम पहुंच नहीं जाते आई प्लस प्लस यहां पर हम प्रिंट करते रहेंगे

नल को अब इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं तो हमारी सारी की सारी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी हमारी लिस्ट में सबसे पहले क्या था हमारा नोट दिस इज अ लिस्ट और लिस्ट फाइनली किसको पॉइंट कर रहा है हमारे नल नोड को तो इस तरीके से हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं उस पर ट्रवर्स कर लेते हैं अगर मान लीजिए अपनी लिस्ट के अंदर हमें कुछ सर्च भी करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे यहां पर कंपेयर कर लेंगे अगर हमें किसी वैल्यू के लिए सर्च करना है तो कंपेयर कर लेंगे कि क्या लिस्ट में आई इंडेक्स पर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो उस वैल्यू के इक्वल है तो इस तरीके से हम सर्च भी कर सकते हैं अगर चाहें तो अब नेक्स्ट क्या है डिलीट फर्स्ट एंड डिलीट लास्ट तो डिलीट फर्स्ट कैसे करेंगे अब यहां पर जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसका नाम है रिमूव फर्स्ट रिमूव फर्स्ट क्या करेगा फर्स्ट वाले हमारे नोड को रिमूव कर देगा लिस्ट से तो रिमूव फर्स्ट को कॉल किया उसके बाद अपनी लिस्ट को हमने करवा लिया प्रिंट इसको एक बार रन करते हैं हमारी लिस्ट में लास्ट में क्या था दिस इज लिस्ट हमने दिस को यानी फर्स्ट नोड को रिमूव कर दिया तो इज लिस्ट बच गया उसके बाद अगर हम लास्ट से भी नोड रिमूव कर दें तो उसके लिए लिखेंगे फंक्शन लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट फिर उसके बाद अपनी लिस्ट को हम प्रिंट करवा लेते हैं इज लिस्ट के बाद हमने लिस्ट को भी रिमूव कर दिया तो हम अपनी शुरुआत वाली लिस्ट पर आ गए हैं यानी इज पर आ गए हैं अब इसके अलावा हम रिमूव कर सकते हैं किसी एलिमेंट को ढूंढ भी यानी अगर हम ये लास्ट वाले दो रिमूव हटा दें और लिखें लिस्ट डॉट रिमूव उसके अंदर कोई इंडेक्स पास करें यानी अगर हमें जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू रिमूव करनी है तो वो पास कर दें फर्स्ट इंडेक्स वाली रिमूव करनी है तो वो पास कर दें तो वो हम पास कर सकते हैं मान लीजिए हमें थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू जो है डिलीट करनी है और उसके बाद अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाना है तो अपने कोड को अगर हम रन करेंगे तो लास्ट में हमारे लिंक लिस्ट के अंदर दिस इज अ लिस्ट चार वैल्यूज अवेलेबल थी अब हमने थर्ड इंडेक्स यानी ये लिस्ट वाली लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर दिया तो दिस अब तो दिस इज बच गया इस तरीके से हम रिमूव भी कर सकते हैं और भी कुछ कुछ फंक्शन हैं उनके बारे में हम जाकर खुद से सीख सकते हैं लिंक लिस्ट के अंदर पर मेजर जो फंक्शन हैं जो हमारी प्लेसमेंट की तैयारी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी में यूज होते हैं उनको हमने कवर कर लिया है इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें लिंक लिस्ट का काफी अच्छा खासा आइडिया हो गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है नोट्स का उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस भी होंगे उन क्वेश्चंस को हम जाकर सॉल्व कर सकते हैं अगले वाली जो क्लास होगी लिंक लिस्ट की उसके अंदर भी हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे लिंक लिस्ट पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गूगल जैसी कंपनीज में पूछ रखे हैं आज के लिए इतना ही आई होप ये क्लास हमें अच्छी लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग